हाय फ्रेंड्स, देश में चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है। कई हिस्सों में मतदाता अपना मत डाल चुके हैं और कई और अभी अपने मत डालेंगे। वोट करने के दौरान एक सवाल जो अक्सर मतदाता के मन में उठता है वह यह है कि आखिर उसका वोट कितना सुरक्षित रहेगा और कोई दूसरा उसके नाम से फर्जी वोट तो नहीं डालेगा। इस शंका की पुष्टि के लिए चुनाव अधिकारी वोटर की उंगली पर वोट देने के साथ ही नीले रंग की स्याही लगा देते हैं। इस नीले रंग की स्याही को भारतीय चुनाव में शामिल करने का श्रेय देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को जाता है। लोग स्याही लगी अपनी उंगली की तस्वीर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं। इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस नीली स्याही को मिटाया जा सकता है। आपको बता दें कि चुनावी स्याही को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कम से कम 72 घंटे तक त्वचा से मिटाया नहीं जा सकता। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह पानी के संपर्क में आने के बाद काले रंग का हो जाता है और मिटता नहीं है। जब चुनाव अधिकारी वोटर की उंगली पर स्याही लगाता है तो सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है। सिल्वर क्लोराइड पानी में घुलता नहीं है और त्वचा से जुड़ा रहता है। इसे साबुन से धोया भी नहीं जा सकता। यह निशान तभी मिटता है जब धीरे धीरे त्वचा के सेल पुराने होते जाते हैं और वे उतरने लगते हैं। अभी हम बात करेंगे ये स्याही बनती कहाँ है। ये स्याही दक्षिण भारत में स्थित एक कंपनी में बनाई जाती है। मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड MVPL नाम की इस कंपनी स्याही को बनाती है। साल 1937 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय मैसूर प्रांत के महाराज नलवाड़ी कृष्ण राजा वडियार ने इसकी शुरुआत की थी। कंपनी इस चुनावी स्याही को बल्क में नहीं बेचती है। MVPL के जरिए सरकार या चुनाव से जुड़ी एजेंसियों को ही इस स्याही की सप्लाई की जाती है। वैसे तो यह कंपनी और भी कई तरह के पेंट बनाती है, लेकिन इसकी मुख्य पहचान चुनावी स्याही बनाने के लिए ही है। इसे लोग इलेक्शन इंक के नाम से भी जानते हैं। 1962 के चुनाव से इस स्याही का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कंपनी भारत के अलावा कई दूसरे देशों में भी चुनावी स्याही की सप्लाई करती है। MVPL की वेबसाइट बताती है कि हाई क्वालिटी चुनावी स्याही 40 सेकंड से भी कम समय में सूख जाती है। इसका रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि उंगली पर लगने के एक सेकंड के भीतर ही अपना निशान छोड़ देती है। यही वजह है इस स्याही को मिटाया नहीं जा सकता। सो फ्रेंड्स, आपको अभी पता चल गया होगा कि चुनावी स्याही को क्यों नहीं मिटाया जा सकता। अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और एट दी एंड आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।